दोस्तों साल 1987 का सबसे कामयाब टीवी शो रामायण को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस टीवी सीरियल को दूरदर्शन में रिलीज किया जाता था। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण टीवी सीरियल के उन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और रामायण के लिए एक लाइक जरूर देना। नंबर वन पर आते हैं श्री राम यानी अरुण गोविल। दोस्तों टीवी सीरियल रामायण में अरुण गोविल भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और उन्होंने इस किरदार को ऐसे निभाया कि लोग इनको सच में भगवान मानकर इनकी पूजा करने लगे। और इनकी रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है श्री लेखा गोविल, जो एक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हिम्मतवर और छोटा सा घर जैसी फिल्मों में काम किया है। नंबर टू पर आती हैं हमारी सीता माता दीपिका चिखलिया। टीवी सीरियल रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया एक अभिनेत्री होने के अलावा बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। और बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की तो उनका नाम हेमंत टोपी वाला है। नंबर थ्री अरविंद त्रिवेदी। रामायण टीवी सीरियल में खलनायक रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने इस शो के अलावा विक्रम और बेताल में काम किया है। अरविंद त्रिवेदी कई गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी रियल लाइफ पार्टनर का नाम नालिनी त्रिवेदी है। नंबर फोर दारा सिंह। भारत के महान पहलवान दारा सिंह एक बेहतर एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने टीवी सीरियल रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। इस शो में दारा सिंह की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था। साल 2012 में इनका निधन हो गया। दारा सिंह की रियल लाइफ पत्नी सुरजीत कौर रंधावा है। नंबर फाइव पद्मा खन्ना। टीवी सीरियल रामायण में कैकई का रोल निभाने वाली अभिनेत्री पद्मा खन्ना भोजपुरी फिल्मों की सफल अभिनेत्री रह चुकी हैं। फिलहाल पद्मा खन्ना ने एक्टिंग करियर से दूरी बना ली है। इनके रियल लाइफ पति जगदीश सिडाना हैं। नंबर सिक्स जयश्री गडकर। 70 के दशक की फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री जयश्री गडकर भी रामायण सीरियल का हिस्सा रह चुकी हैं। शो में वो श्री राम की माँ कौशल्या की भूमिका में नजर आई। साल 2008 में इनका निधन हो गया। इनके रियल लाइफ पति बालधुरी हैं, जिन्होंने इस शो में राजा दशरथ की भूमिका निभाई थी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।